सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स क्लास से लेकर के टेंथ क्लास तक का ऐसा चैप्टर लेंगे जिसमें आपके सिक्स क्लास से लेकर के टेंथ क्लास तक के सभी विद्यार्थियों को जिसमें फ़ायदा रहे। और आपको पता है सबको कि अभी वो टाइम की क्लास होगी, आपके काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, इसलिए अपन आपकी शिक्षा की महत्वता को देखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था दिव्यज्योति सेकेंडरी स्कूल के द्वारा की जा रही है। तो इससे कड़ी में अपन आगे बात करें तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपन करने जा रहे हैं संस्कृत स्टार्ट करने जा रहे हैं। और संस्कृत की भी अपन बात करें आप लोगों को बता दूँ तो पहला चैप्टर जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका संधि का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। संधि में देखो आप लोगों के पास क्या रहेगा कि आपकी ये सिक्स क्लास में भी काम आ जाएगा, सेवन्थ वालों के लिए भी सही रहेगा, सिक्स से लेकर के टेंथ क्लास तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो अपन बात करें कि सबसे पहला चैप्टर है आपके पास में संधि। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपके पास में संधि की जो परिभाषा रहेगी, परिभाषा का तात्पर्य है कि आपके पास में जो संधि है ये संधि की जो परिभाषा रहेगी वो आपके पास में क्या रहेगी। तो अपन बात करें सबसे पहले जो परिभाषा रहेगी वो रहेगी वर्ण संधानम संधि, अर्थात अगर अपन इसका हिंदी में मीन निकाले, हिंदी में अगर इसका अर्थ निकाले तो अपने पास में एक ही शब्द आया है पहला वर्ण, दूसरा अपने पास में आया है संधान, और तीसरा जो अपने पास में आया है वो आया है अपने पास में संधि। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण की। तो अपने पास में जो वर्ण रहते हैं अपनी वर्णमाला में, संस्कृत की वर्णमाला हो उसमें अपने पास में जो वर्ण रहेगी वो वर्ण रहते हैं, एक अपने पास में स्वर रहता है और दूसरा अपने पास में रहता है व्यंजन रहता है। आपके पास में दूसरा जो शब्द आया है उसका मीन जो होगा संधान का मतलब होता है सुलझाना, अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपने पास में वर्ण का तात्पर्य कितने वर्ण रहेंगे, अपने पास में दो वर्ण अपने पास में आ गए, एक आ गया अपने पास में स्वर आ गया और दूसरा जो वर्ण आ गया अपने पास में कौन सा आ गया व्यंजन आ गया। तो अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्णों को क्या करना सुलझाना, वही आपका क्या कहलाता है संधि कहलाता है। अब देखो सुलझाने से तात्पर्य क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास इसने शुरू शुरू में परिभाषा में दिया है आपको कि वर्ण अर्थात आपको सुलझाना है, जो संधान करना वो आपको किसका करना है वर्णों का संधान करना है। वर्णों से तात्पर्य आपके पास में क्या रहेगा स्वर से रहेगा और आपके पास में किससे रहेगा व्यंजन से रहेगा। अर्थात आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास में दो वर्णों का जो मेल रहता है उस दो वर्णों के मेल को आप लोग संधि कह सकते हो। अब दूसरी पहली परिभाषा तो आपके पास में क्या हो गई वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों को सुलझाना वर्णों का संधान करना वही आपका क्या कहलाएगा संधि कहलाएगा। अब वर्ण जो आपके पास में रहेंगे वो क्या रहेंगे स्वर हो और व्यंजन हो, अर्थात संधि में जिन वर्णों का संधान किया जाएगा जिन वर्णों को सुलझाया जाएगा वो वर्ण आपके पास में होंगे वो कौन से वर्ण रहेंगे स्वर भी रहेगा और आपके पास में व्यंजन भी रहेगा, ऐसे अपन कह सकते हैं। इसी आगे अपन बात करें कि एक परिभाषा संधि की और होती है अपने पास में, उसको कहा जाता है पर है संकृष है संहिता संहिता, अर्थात आप लोगों के दूसरी परिभाषा की अपन बात करें क्या है पर है संकृष है संहिता। अब बात करें अपन यहाँ अपने लास्ट में जो शब्द आया है अपने पास में वो आया है संहिता, अर्थात दूसरा संधि का जो दूसरा जो नाम होता है संधि का जो अपर नाम होता है वो आपका क्या होता है संहिता ही होता है, अर्थात संधि का जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा संहिता होगा। तो इसमें कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि संधि भी आप लोग बोल सकते हो संहिता भी आप लोग बोल सकते हो, इसमें कोई बुरा बदलाव नहीं। देखो अगर इसकी अपन बात करें कि पहला अपने पास में जो शब्द आया है वो क्या है परह आया है, परह से तात्पर्य आप लोगों को मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि परह से तात्पर्य आपके पास में क्या होगा। देखो परह से तात्पर्य जो होता है आपके पास में एक तो होता है पूर्व और एक होता है आपके पास में पर होता है। अब सीधी शब्दों में अपन देखें तो पूर्व का मतलब हो गया पहले वाला और पर का मतलब होता है हमेशा बाद वाला। तो यहाँ पे बात करें कि पूर्व कौन होगा और परे कौन होगा, आगे अपन बात करेंगे बात करेंगे कि पूर्व किस प्रकार से देखेंगे पर अपन किस प्रकार से देखेंगे। आगे बात करें आगे अपने पास में आया है संनिकृष है,
संधि है का मतलब जो होता है वो होता है आपका अत्यधिक समीपता से होता है। किसका होता है? अत्यधिक समीपता से आपके पास में होता है। अर्थात अपन सही तरह मतलब आपको भी बताया था क्या होगा, संधि हुआ। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व है और जो परवर्ण है, इन दोनों की अगर अत्यधिक समीपता होती है, अत्यधिक अगर निकटता आपके पास में होती है, अत्यधिक सामीप्यता अगर आपके पास में होती है, उसको भी आप लोग क्या कह सकते हो, संधि कह सकते हो। तो सीधे शब्दों में अपन कहें कि आपके पास में पूर्व वाला जो वर्ण होता है, यानी दो पद आपके पास संधि में मोस्टली मिलेंगे आपको, दोनों पदों में से जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो आपके पास में, पर की बात करें पर का मतलब दूसरा जो वाला पद है उसका पहला जो वर्ण होगा, उन दोनों वर्णों में यदि अत्यधिक समीपता रहती है, अत्यधिक निकटता यदि रहती है, अत्यधिक समीपता यदि रहती है, तो निश्चित रूप से वहाँ क्या किया जाएगा आपके पास में, संधि किया जाएगा। तो आपके पास में दो परिभाषाएं निकल के आएगी। पहली परिभाषा कि दो वर्णों का जो मेल होगा उसको अपन क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। दूसरा क्या होगा, पूर्व और पद में यदि अत्यधिक निकटता रहती है, अत्यधिक समीपता यदि रहती है, अत्यधिक सामीप्यता यदि रहती है, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ये देखेंगे कि यहाँ दिया है अत्यधिक समीपता, अत्यधिक निकटता, तो ऐसी कौन से वर्णों की आपके पास में निकटता रहेगी जिसकी अपन क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। तो इसमें अपन बात करेंगे, जैसे मान लो आपके पास में एक शब्द है, जैसे मान लो ये है विद्या प्लस आलय। अभी अपन ने बात की है कि जिन वर्णों की अत्यधिक निकटता रहती है, अत्यधिक समीपता रहती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो निकटता का जो तात्पर्य होता है, समीपता का जो तात्पर्य होता है, वो किससे होता है, ये चीज़ अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने आपके पास बात की थी कि एक तो आपके पास में पूर्व आएगा और एक आपके पास में परे आएगा। पूर्व का तात्पर्य है, जैसे मान लो ये दो पद आपके पास में लिखे हैं, एक में आपके पास पहले पद का अंत देखना है, ये पूर्व हो जाएगा, दूसरे पद का आपको पहला ही वर्ण देखना है, का पहला वर्ण ये हो गया। तो यहाँ पे जिन वर्णों की निकटता आपके पास में दर्शाई गई, जिन वर्णों की समीपता आपके पास में दर्शाई गई, वो वर्ण बताओ कौन से हुए आपके पास में, आ हो गया प्लस आ हो गया। तो यहाँ पे जिन वर्णों की निकटता आपके पास में आई, जिन वर्णों की समीपता आपके पास में आई है, वो आपके पास कौन से वर्ण हो जाएंगे, आ प्लस आ हो जाएगा। यह आपको बाद में संधि जब विस्तारित रूप से अपन पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा ए प्लस ए क्या होता है, आ प्लस आ क्या होता है, और किस संधि में इसका प्रयोग मोस्टली किया जाता है। एक बार आप लोग इन दोनों चीज़ों को लिख लें, पहले ऊपर कंटेंट डालें संधि, और उसके बाद में आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा आपके पास में क्या हो जाएगी, पहली परिभाषा जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, वर्ण संधान संधि। इसके आगे भी आपको लिखिए क्वेश्चन, दो वर्णों का जो मेल होता है उस मेल को अपन लोग क्या कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी परिभाषा देखिए, पर है संधि विषय है सही कहा, इसका जो तात्पर्य होगा वो क्या होगा, पूर्व पद के अंत में और जो उत्तर पद है, पर जो पद है उसके पहले, इन दोनों वर्णों का यदि मेल होता है उसको आप लोग संहिता कहेंगे। एक चीज और लिख ले इसमें, आप लोग संधि का जो अपर नाम होता है उसको भी आप लोग क्या कह सकते हो, संहिता आपको कह सकते हो। तो ये थी आप लोगों की परिभाषा की बात। इसके बाद में यदि इन दोनों परिभाषाओं का अपन ये देखें कि दोनों परिभाषाओं का जो सार होगा, अर्थात दोनों परिभाषाओं का अपन एक बेसिकली तरीके से देखें, तो दोनों का थोक रूप में अपन देखना चाहे तो एक परिभाषा अपन ये भी निकाल सकते, वर्ण मेलनम संधि। अभी आप लोगों को मैं बताया था कि वर्ण से जो तात्पर्य होगा वो आपका किससे रहेगा, स्वर से भी रहेगा और किससे रहेगा, व्यंजन से भी आपके पास में रहेगा। तो अर्थात स्वरों का और व्यंजनों का जो मेलनम अर्थात उनको मिलाना, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। एक परिभाषा और अपन इसकी निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, द्वयोः वर्णयोः मेलनं
संधि कथ्य है, अर्थात द्वयोः वर्णयोः मेलनं संधिः कथ्य है। द्वयोः का मतलब किससे रहेगा, दो से। वर्णयोः का मतलब आपको अभी बताया था कि वर्ण आपके पास दो कौन से हो जाएंगे, स्वर भी आपके पास में रहेगा और आपके पास में व्यंजन भी रहेगा, अर्थात दो वर्णों का जो आपका मेल है। मेल का मतलब अभी आपको बताया था, मेलनम का मतलब क्या हो जाएगा, मिलाना हो जाएगा, वो ही आप दोनों की क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अर्थात अपन हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो आपको मैं बता दूँ सीधा सीधा कि दो वर्णों का जो मेल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। ऐसे करके आप लोगों के पास में संधि की जो परिभाषा होगी वो आपके पास में कितनी परिभाषा होगी, चार परिभाषा आप लोगों के पास में होगी। पहली परिभाषा आपको बताएगी वर्ण संधान संधि, वर्णों का संधान करना संधान संधि कहलाता है। दूसरी आपको बताई पर संधि विषय संहिता, कि पूर्व और पर वाले वर्ण की अत्यधिक निकटता आपके पास में रहती है तो उसको भी आप लोग क्या कह सकते हो, संधि कह सकते हो। यदि अपन आगे बात करें, अपने तीसरी परिभाषा पढ़ी है कि वर्ण मिलनम संधि, यदि वर्णों का मिलन होता है, वर्णों को मिलाया जाता है तो वो भी आप लोगों का क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। चौथी परिभाषा की अपन बात करें तो आपके पास में जाएगा द्वयोः वर्णयोः मेलनम से संधि कथ्यते, यदि आप लोग दो वर्णों का मेल करना चाहते हो तो उसको भी आप लोग क्या कह सकते हो, संधि कह सकते हो। तो तीन नंबर परिभाषा में लगा करके आप लोग लिखे कि वर्ण मेलनम संधि कथ्यते, अर्थात वर्णों को मिलाना क्या कहलाएगा, संधि कहलाता है। आगे बात करें अपन चौथी परिभाषा की द्वयोः वर्णयोः मेलनम अस्ति संधि में कथ्यते, अर्थात दो वर्णों का जो मेल होगा उस मेल को अपन क्या कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं। अब अगर अपन बात करेंगे परिभाषा की बात अपने पास में हो गई, परिभाषा की बात में अपन जो चर्चा करेंगे संधि के अंदर वो अपन चीज दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। दो चीज़ों में अपन बात करेंगे अपने पास में क्या रहेगा, एक तो अपन बात करेंगे अपने पास में रहेगी संधि के पद, एक तो क्या है आपके पास में संधि के पद होते हैं, एक जो होता है वो होता है संधि के भेद। तो क्या दोनों चीज एक ही होती है या अलग अलग होती है, तो सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि पद जो होता है वो अलग होता है, संधि का जो भेद होता है वो आप लोगों का अलग होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पद जो क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूँ पद जो होते हैं वो आपके पास में कितने रहेंगे, दो रहेंगे। और यदि संधि के भेद की बात करूँ मैं आपके पास में तो कितने रहेंगे आपके पास में, तीन रहेंगे। तो कदे कंफ्यूज नहीं होना, यदि आपको भेद पूछता है भेद के अलावा यदि प्रकार आप लोगों से पूछे जाते हैं तो भी आपके पास में वो ही बात रहेगी, चाहे संधि के भेद पूछे तो आपको तीन बताना, चाहे प्रकार पूछे तो आप लोगों को तीन बताना। इसके अलावा अपन बात करें कि संधि का पद यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संधि के पद कितने होंगे तो पद में आप लोगों को कितने बताने हैं, दो ही बताने हैं। अब दोनों पदों की सबसे पहले अपन पद की बात करेंगे, पद आपके पास में जो दो होते हैं कौन से होते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि संधि के भेद जो प्रकार होते हैं वो तीन कौन कौन से। सबसे पहले आपको लेंगे पदों, पहला जो संधि का पद होता है वो होता है संधि विच्छेद। कौन सा पद हो जाएगा, संधि विच्छेद। इसके बाद में अपन अगर बात करना चाहे कि अपने पास में दूसरा जो पद होता है वो आपका कौन सा पद होता है, संधि पद होता है। तो संधि के जो पद रहे आपके पास में कितने रहेंगे, एक पद हो जाएगा संधि विच्छेद और दूसरा पद हो जाएगा आपके पास में संधि पद हो जाएगा। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे संधि विच्छेद पद क्या होता है और इसके बाद में अपन बात करेंगे कि संधि पद क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद जो होता है साफ साफ इसमें दिया गया है कि विच्छेद का जो मतलब होता है वो होता है टुकड़े का। जैसे मान लो मेरे पास में ये क्या है, एक पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे खोल लेता हूँ मेरे पास में बताओ कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, या एक ये पेन है इसको मैं बीच में से यदि टूट देता हूँ तो बताओ ये क्या हो गए मेरे पास में, दो पेन हो गए। इसका मतलब इस पेन के मैंने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। टुकड़े का मतलब सीधा रूप से अपन बात करें विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या हो गया, टुकड़े। तो इस उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक पेन है, इस पेन को मैंने तोड़ दिया बीच में से तो मेरे पास कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। अर्थात अपन बात करें कि संधि विच्छेद क्या होता है, अर्थात इसमें ऐसे पद आपके पास में रहेंगे जिनके
क्या हो रखे हो पहले टुकड़े हो रखे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा पद होना चाहिए, ऐसे वर्ण आपके पास होने चाहिए जो वर्ण पहले से ही किस में आए टुकड़ों में हो। जो वर्ण पहले से आपके पास में टुकड़ों में रहेगा, बिखरे बिखरे वर्ण रहेंगे, वो वर्ण आप लोगों की क्या कहलाएंगे, संधि उच्छेद कहलाएगा। तो दोनों पदों में से पहले प्रत्यय अपन ने बात की, कौन सा हो जाएगा, संधि उच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे पद या ऐसे वर्ण आपके पास में हो जिनका पहले से ही क्या हो रखे, जिनके पहले से ही टुकड़े हो रखे हो, जो पहले से ही बिखरे बिखरे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। दूसरे पद की अपन बात करते हैं तो दूसरा पद हो जाएगा आपका होगा संधि पद हो जाएगा। संधि पद जो रहेगा वो आपको क्या है, परिभाषा में आपको बताया था कि संधान कर, उन संधान कर अर्थात जिन वर्णों के क्या हो रखे हो टुकड़े हो, ऐसे वर्णों को क्या करना, एक जगह है वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, संधि पद कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास दो पेन है, ये एक ही पेन था इसके मैंने क्या कर दिए, ये एक पेन है इसके मैंने क्या कर दिए टुकड़े कर दिए, दो हो गए। इस पेन को जब मैं वापिस जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, संधि पद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल है उसका, उन एग्जाम्पलों की अपन बात करते हैं। जैसे मान लो ये है रमा प्लस ई, मैंने अभी आपको बताया था कि संधि में कितने पद होने चाहिए आपके पास में, दो पद होने चाहिए। इसको जोड़ने से अपने पास में क्या पद बनता है, रमेश बनता है। ये आपको विस्तृत रूप से जब संधि का कंटेंट अपन आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मैं बताऊंगा कि ये जो रमा प्लस ई से कैसे हुआ आया और इसे रमेश जो बना और वो कैसे बना। लेकिन अपन को यहाँ ये देखने हैं कि दो पद अपन ने जो पढ़े, संधि पद विच्छेद पढ़ा है, संधि पद अपन ने पढ़ा है, इन दोनों पदों में अपने पास में जो किस प्रकार से अपन लोगों की पहचान क्या हुई, ये संधि विच्छेद पद है, ये आपका संधि पद है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक पद आपके पास में ये बराबर का चल रहा है, इसका मतलब एक पद आपके पास में ये है, दो पद आपके पास में आ गए। संधि के मैंने आपको दो ही पद बताए, एक तो रमा प्लस ई और दूसरा इसे क्या बन गया, रमेश पद बन गया। इसके बाद अपन बात करना चाहेंगे कि पहले संधि विच्छेद की बात करेंगे। विच्छेद में आपको मैंने ये कहा है कि जिन पदों के जिन वर्णों के पहले से ही क्या हो रहे थे टुकड़े हो रखे, तो बताओ यहाँ पे रमेश के टुकड़े हो रखे या रमा प्लस ई के टुकड़े हो रखे। तो आप लोग देख लेंगे कि रमा प्लस ई पहले से इसके क्या हो रखे हैं, प्लस का निशान लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, दोनों पहले से ही टुकड़ों में। इन दोनों को जोड़ करके अपन ने क्या बनाया, रमेश बनाया। इसका तात्पर्य आपके पास में क्या हुआ कि आपके पास में जो संधि विच्छेद पद रहा वो तो आपके पास में कौन सा पद आ गया, रमा प्लस ईस, ये तो आपके पास में कौन सा पद रहा, संधि विच्छेद पद आपके पास में रहा। आगे बात करेंगे अपन की संधि पद क्या हो गया, अभी आपको बताया था कि जो पद टुकड़ों में आते हैं उन पदों को जोड़ करके अपन जो नया पद बना लेते हैं उस पद को अपन क्या कह सकते हैं, संधि पद को कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपने देखा कि रमा प्लस ईस कौन सा पद हुआ, संधि विच्छेद हुआ, और रमेश जो हुआ वो आपका कौन सा पद हो गया, संधि पद आपका हो गया। इसके बाद एक उदाहरण और अपन देखते हैं, जैसे मान लो दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन राज प्लस ईस, इससे आपने क्या बोल दिया, राजेश। अब इसमें अपन लोग ये देखेंगे कि संधि विच्छेद आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ बात करें राज प्लस ईस पहले से क्या आ रहा है, टुकड़ों में आ रहा है, इसका तात्पर्य क्या रहेगा, ये संधि विच्छेद पद। इसके बाद अपन बात करें कि इसको जोड़ करके अपन ने क्या बनाया, राजेश बनाया। यही चीज़ आपको मैंने बताई है कि आप लोगों के पास में जो पद पहले से टुकड़ों में आए वो संधि विच्छेद, और उन टुकड़ों को जोड़ करके जो नया पद अपन बना लेते हैं उस नए पद को आप लोग क्या कह सकते हो, संधि पद कह सकते हो। तो आप लोगों के पास राज प्लस ईस पहले से टुकड़ों में था तो ये तो संधि विच्छेद हो गया, इसको जोड़ा आपने क्या बना, राजेश, इसका मतलब ये कौन सा पद हो गया आपके पास में, संधि पद हो गया। तो एक पद संधि विच्छेद हो गया, दूसरा पद आपके पास में कौन सा हो जाएगा, अपने आप ही संधि पद हो जाएगा। और अपन बात करना चाहे एक एग्जाम्पल और लेना चाहे तो आप लोग यहाँ ले सकते हो, जैसे मान लो ये है वैल्यू प्लस ईस, इससे आप लोगों ने क्या बना लिया, गणेश बना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि संधि विच्छेद पद आपके पास में कौन सा रहेगा, तो
ये टुकड़ों में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पद हो गया, संधि विच्छेद आ गया। और इससे अपन ने बनाया क्या, गणेश बनाया। इसका मतलब टुकड़ों को जोड़ करके जो पद बनाया अपन ने, कौन सा पद बना लिया, संधि पद अपन ने बना लिया। इसके बाद और अपन बात करते हैं, जैसे मान लो हो जाएगा विद्या प्लस अर्थ, इससे आपका जो रूप बन जाएगा वो बन जाएगा विद्यार्थी। तो यहाँ पे आपके पास एक पद तो ये रह गया, एक पद आपके पास में ये आ गया। इस पद को अपन क्या बोलेंगे बताओ, संधि विच्छेद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको बताया था कि जो पद पहले से टुकड़ों में आता है वो आपको हुआ संधि विच्छेद पद कहलाएगा। इससे जो जोड़ करके आपने जो पद बनाया वो आपका कौन सा पद हो जाएगा, संधि पद हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास में विद्यार्थी जो पद आया है कौन सा पद होगा, संधि पद। इसको जोड़ा आपने कौन सा पद निकला, ये संधि विच्छेद पद आपको होगा निकला। तो ये बात की आपके पास में सबसे पहले कि संधि के जो पद रहेंगे आपके पास में। अब थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लें कि आपके पास में पहले ऊपर लिखे आप लोग संधि के पद, उसके आगे संधि के जो पद होते हैं वो दो पद होते हैं। एक पद होता है वो संधि विच्छेद होता है, दूसरा जो पद होता है वो आपका संधि पद होता है। पहले पद की अपन परिभाषा देंगे तो वो क्या होगा कि ऐसे पद जो पहले से ही क्या आने चाहिए, टुकड़ों में आने चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद पद कहेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे संधि पद क्या रहेगा, दो नंबर लगाएंगे आपको संधि पद। संधि पद उसको बोलेंगे कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके जो नया पद बनाया जाएगा, उस नए पद को आप लोग कौन सा पद बोलेंगे, संधि पद बोलेंगे। ये आप लोगों को समझाने के लिए तीन चार उदाहरण होंगे, इन तीनों चार उदाहरणों को आप चाहो तो उतार सकते हो। इन तीनों चार उदाहरणों को उतारने के बाद में अपन लोग बात करेंगे कि आपके पास में संधि के जो भेद है वो कितने होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं। और भेद बोल दो चाहे प्रकार हो, इनकी बात होती है, एग्जाम्पल आप लोग आराम से उतार सकते हो। संधि विच्छेद भी लिखे नीचे आप लोग इसकी, संधि पद भी लिखे, ताकि आप लोगों के लिए बाद में बढ़िया रहे। देखिए अपन ने संधि के पदों की बात कर ली है, पद की बात में अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन संधि के जो भेद है, भेद भी आप लोग बोल सकते हैं, संधि के प्रकार भी आप लोग बोल सकते हो। एक ही बात, चाहे आप लोग भेद बोल दो चाहे आप लोग प्रकार बोल दो, अपन जो हम बात करेंगे वो किस चीज की बात करेंगे, संधि के भेद, चाहे तो आप उसको क्या कह सकते हो, प्रकार भी कह सकते हो। तो आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तीन ही प्रकार। यदि आपके पास भी सीधा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि संधि कतिधा, तो आप लोगों को लिखना है संधि त्रिधा। संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। यदि आपके पास भी क्वेश्चन रहता है संधि कतिधा, तो आपको आंसर देना है संधि त्रिधा। संधि अर्थात संधि के जो प्रकार होता है, कतिधा मतलब ये पूछना चाह रहा है कि संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर क्या देना है संधि त्रिधा। संधि के जो प्रकार होते हैं वो आपके पास में तीन प्रकार होते हैं। आइए हम देखते हैं तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार देखेंगे वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, अचसंधि हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड की बात करते हैं अपन, तो कौन सी हो जाएगी आपके पास में, हल संधि हो जाएगी। यदि तीसरे की अपन बात करना चाहे तो आपके पास में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि आपके पास में हो जाएगी। अब बात करेंगे अपन, देखो तीन संधि आपके पास में है, इनको दूसरा नाम भी दिया गया है। जैसे पहले अपन बात करें अच जो होता है, अच को हिंदी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्वर, तो अच संधि को आप स्वर संधि भी कह सकते। दूसरी अपन बात करें हल संधि जो होती है, इसको आप लोग क्या कह सकते हो,
व्यंजन संधि भी इसको आप लोग कह सकते हैं, विसर्ग का पूर्ण नाम विसर्ग ही होता है। अब अपन बेसिक बेसिक जानकारी देखेंगे पहले तीनों संधियों की। स्वर संधि है जिसको स्वर संधि भी नाम दिया, हल संधि को व्यंजन संधि भी नाम दिया गया, और तीसरी जो है आपके पास विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि इन तीनों में देखेंगे कि कहाँ आपको हल संधि करनी, कहाँ हल संधि करनी और कहाँ पे आप लोगों को विसर्ग संधि करनी। तो सबसे पहले अपन जो बात करना चाह रहे हैं वो आपके पास में करेंगे हल संधि। ये आपके पास में ऐसा कौन सा पद रहेगा जहाँ आप लोगों को हल संधि करनी है, बाद में देखेंगे अपन हल संधि की ऐसे कौन से पद आएंगे, ऐसे कौन से वर्ण आपके पास में रहेंगे जहाँ आप लोगों को हल संधि जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं हल संधि। आप लोगों को भी परिभाषा में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको दो चीज़ बताएंगे, एक तो पूर्व का ध्यान रखना है और एक आप लोगों को ध्यान रखना है पर। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला और पर का मतलब होता है बाद वाला। पूर्व से जो तात्पर्य होता है यहाँ ये होता है कि संधि विच्छेद दो तरीके से आपके पास होता है, पहले पद का अंत मान और पर का मतलब अंतिम जो पद होगा उसका प्रारंभिक वर्ण आपके पास में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों के बिना आपका संधि कदे नहीं बन पाएगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि असंधि की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, कि आपको कहाँ कहाँ पर असंधि करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि जहाँ आपके पास में दोनों पद क्या होने चाहिए, अच प्लस अच, यानी पूर्व में भी आपके पास में अच आना चाहिए और पर में भी आपके पास में अच आना चाहिए। अच का तात्पर्य भी आपको मैं बताया था क्या होता है, स्वर होता है। तो पहले भी स्वर रहना चाहिए और बाद में भी आपके पास में क्या रहना चाहिए, स्वर रहता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि आपके पास में दोनों वर्ण, पहले वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण, यदि दोनों वर्ण आपके पास में कैसे हो, अच प्लस अच अर्थात स्वर प्लस स्वर यदि आपके पास में रहते हैं तो वहाँ आपको जो संधि करनी है वो कौन सी संधि करनी है, अच संधि। अच संधि के कुछ भेद भी होते हैं, अभी बाद में इसकी चर्चा करेंगे अपन। एक बार ये समझ लेंगे अच संधि की जो परिभाषा रहेगी, कैसे अपन को पता लगेगा कि अच संधि का वर्ण है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि मिलने वाले जो दोनों वर्ण, जिन वर्णों का अपन संधान करना चाह रहे हैं, जिन वर्णों की सर्वाधिक निकटता है, जिन वर्णों को अपन मिलाना चाह रहे हैं, वो दोनों वर्ण आपके पास में ऐसे होने चाहिए कि जहाँ आपके पास में क्या होना चाहिए, अच प्लस अच, अर्थात दोनों वर्ण आपके पास में क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। पहला भी स्वर होना चाहिए, दोनों दूसरा भी क्या होना चाहिए, स्वर, अर्थात मिलने वाले दोनों वर्ण यदि स्वर रहते हैं तो उसको आप कौन सी संधि बोलेंगे, अच संधि उसको कहेंगे, जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है। अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, देखो कि कहाँ आपको करनी है। जैसे पहला उदाहरण अपन देखिए, जैसे मान लो पहला उदाहरण है गंगा प्लस आलय। अभी मैंने आपको कहा था कि दो वर्णों का आपको ध्यान रखना है, पूरे वर्ण का ध्यान रखना है और पर वर्ण का ध्यान रखना है। पूर्व वर्ण का मतलब क्या हो गया, पहले ये जो पहला पद है इससे पहले पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए, अंतिम वर्ण ये आ गए। दूसरे पद जो है ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा, तो पूर्व क्या हो जाएगा, पहले पद का जो अंतिम वर्ण आ रहा है ये आ रहा है, दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण होना चाहिए, दूसरे वर्ण का प्रारंभिक ये वर्ण, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले पद की बात करें कि पहले पद का अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है, दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण कौन सा आ रहा है, तो बताओ मिलने वाले जो वर्ण रहे वो आपके पास कौन से रहे, ए प्लस ए रहा। अर्थात यदि आप लोगों के पास इस प्रकार होगा, दोनों स्वर है क्या, आ भी स्वर होता है भी स्वर होता है, इस प्रकार से दोनों मिलने वाले वर्ण यदि क्या रहते हैं, स्वर प्लस स्वर अर्थात एच प्लस एच रहते हैं, तो वहां आपको निश्चित रूप से कौन सी संधि करनी है, अच संधि। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, उमा प्लस ईस, ये बाद में देखेंगे अपन, जो असंधि को कंप्लीट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये दोनों जो बना है गंगा प्लस आल इस क्या बनेगा। अभी अपन को ये देखना है कि अपने पास में एच प्लस एच किस तरीके से आना चाहिए, आपको बता दिए दोनों जगह स्वर प्लस स्वर आ रहा है। यहाँ अपन इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि आपके पास आ रहा है उमा प्लस ईस, तो यहाँ पूर्व वाला जो वर्ण रहेगा वो कौन सा रहेगा, पूर्व के अंतिम में कौन सा आ रहा है आ। इसके बाद अपन बात करेंगे कि पर में क्या आना चाहिए, पर का प्रारंभिक होना चाहिए, पर का प्रारंभिक क्या आ रहा है बताओ, आ भी स्वर होता है और ई भी आपके पास में क्या होता है, स्वर होता है, तो आ भी स्वर हो गया और ई भी आपके पास में क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में दोनों स्वर प्लस स्वर आते हैं,
तो निश्चित रूप से आपको कौन सी संधि करनी है, आज संधि आप लोगों को करनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन क्लास काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आप लोगों की दस किताबों देखेंगे, ऑनलाइन क्लास आपके लिए शुरू की हुई और ये क्लास आप लोगों को जो फायदेमंद रहेगी वो सिक्स क्लास से लेकर के टेंथ क्लास तक के बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी। और सर्वाधिक जो लाभदायक क्लास रहेगी वो आप लोगों को टेंथ क्लास के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगी। चलो कल फिर आप लोगों को इसी समय पर मिलेगी।